हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वीवो T1 44 वाट में दोस्तों जो है किसी भी ऐप पर दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। यानी दोस्तों, आप चाहे आपका दोस्तों चाहे वो व्हाट्सअप हो या दोस्तों फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी भी ऐप पर अगर आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट लॉक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे और जैसे ओपन हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन हो रहा है, सिंपली दोस्तों इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे जो है एक पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, वो दोस्तों आप फटाफट इस तरह से दोस्तों जो है यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों दोबारा से वही री एंटर यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। और डालने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपसे दो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में दोस्तों आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। मान लिया दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे सी डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों सी डालने के बाद में दोस्तों डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐप इंक्रिप्शन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जिस ऐप पे आपको फिंगरप्रिंट लगाना है वो ऐप यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मान लिया दोस्तों, जैसे हम जो है अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो इसे इनेबल करेंगे और इनेबल कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम बैक आएंगे, एक बार फिर से बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों जो भी आपने पैटर्न डाल के रखा है वो दोस्तों अपने फ़ोन में वो दोस्तों यहाँ पे जो है पहले डाल देना है, ठीक है। और डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन फिर से यहाँ पे हो रहा है, इसे इनेबल कर देना है। और जो भी दोस्तों आपने प्राइवेसी पासवर्ड बनाया था वो दोस्तों यहाँ पे एक बार कंफर्म के लिए फिर से डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। और डालने के बाद दोस्तों अब ये सक्सेसफुली हमारा जो है इनेबल हो चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपने पहले से ही दोस्तों स्क्रीन में फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा है तो ही दोस्तों ये सेटिंग काम करेगी। अगर दोस्तों आपने फिंगरप्रिंट यूज नहीं कर रखा है, पहले से नहीं लगाया है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, अपना फिंगर जो है स्क्रीन लॉक ओपन करने के लिए लगा लेना है, ठीक है। और दूसरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही फिंगरप्रिंट यहाँ पे दोस्तों काम करेगा, ठीक है। अब दोस्तों जो है हमारे WhatsApp पे सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है Vivo T1 44 वाट वाले फ़ोन में दोस्तों जो है फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।